इस वेले दी वड्डी खबर अमृतसर तो सामने आई है जिथे मुड़ तो गुरु नगरी अमृतसर दे विच धमाका होया। हेरिटेज स्ट्रीट ते मुड़ तो धमाके की खबर सामने आई है। मौके दे उत्ते पुलिस ते फोरेंसिक टीम जांच दे लई पहुंची है ते जांच जारी है। दस दईए कि दो दिन पहला भी हैरीटेज स्ट्रीट ते चिमनी दे विच ब्लास्ट होया सी। उस वक्त भी लोगों के सहम का माहौल पाया जा रहा है, पर बाद दे विच जानकारी सामने आई कि चिमनी दे विच ब्लास्ट कारण धमाका होया है। ते दो दिन बीतते ने ते मुड़ तो धमाके की खबर सामने आ जाती है। सवेरे 6 बजे हैरीटेज स्ट्रीट से धमाके की जानकारी सामने आई है। तो लगातार पहला धमाका होना जिस दे विच सूचना मिली कि चिमनी दे विच धमाका होया, ते दो दिन बीतन तो बाद मुड़ तो यह दूसरा धमाका होया जिसने लोगों के सहम का माहौल पैदा कर दिता है। धमाका भी अजिही जगह से जिथे कि हर वक्त लोगों की भीड़ मौजूद रहती है। हैरीटेज स्ट्रीट एक इदा की जगह है दरबार साहब तो बाहर दी, वो पूरा बाजार पूरी मार्केट जिथे कि वन सवनिया चीज़ों दुकाना ने जिथे लोग अक्सर मौजूद रहते हैं, चाहे दिन होवे रात होवे तड़कसार होवे या दोपहर होवे, हर वेले उत्थे लोगों की भीड़ मौजूद रहती है। तो अजे इलाके दे विच धमाके होना वड्डा खतरा है क्योंकि इस दे नाल लोगों की जान ते भी बन सकती है, जानी नुकसान भी हो सकता है। इस खबर से वधेरी जानकारी दे लई साडे पत्रकार परमबीर औलख फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। जी परम, की कुछ जानकारी इस खबर बाबत सामने आई है? देखो एक असं कह लिए कि बीते दिन ही एक धमाका जोड़ा होया दरबार साहब के बाहर हैरीटेज स्ट्रीट से लाके, तो एक अज फिर असं कह सकते हैं सवेरे दोबारा एक 36 घंटिया बाद एक फिर जोड़ा धमाका है वो होया है। तो पुलिस इसकी जानकारी हैगी है कि आखिर कारण की है। देखो बीते दिन ही जोड़ा धमाका होया उसकी जांच सामने आया कि यह एक चिमनी जी घर चिमनी लगती है रसोई गैस के उस दे नाल ये धमाका होया, यानी कि उस दे विच गैस ज्यादा गर्मी होने कारण गैस बढ़ती थी इस करके होया। पर इसे नूं लैके जेकर असीं अज दी गल करिए तां अज फिर उसे जगह से ही यानी कि एक फिर धमाका होया। तो मौके से पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह पहुंचे ने, तो बीते दिन भी उसे फोरेंसिक दी टीमां पहुंचियां सीगियां। सो एक असीं कह लईए कि चिंता का विषय जरूर हैगा है जी, क्योंकि उत्थे संगतां जिहड़ियां ने मत्था टेकन वास्ते आउंदियां ने, तां वो हैरीटेज स्ट्रीट हैगी है, तां लखां लोग जिहड़े आ उत्थों लंघ के जांदे हैगे ने। तां कईआं दे असीं कह लईए कि वह शीशे के जिहड़े कैंकर सीगे वह भी वजे सीगे, तां वह जख्मी भी होए सीगे संगत जिहड़ी सीगी। सो कितना ना कितें असीं कह सकते हां कि सवेरे फिर 6 बजे के करीब यह धमाका होया है। तां मौके ते पुलिस कमिश्नर पहुंचे ने, देखना होगा कि इस दे विच की सामने आता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिवें तुसीं जिक्र भी किया कि जे परम गल करिए हैरीटेज स्ट्रीट इदा की जगह है जिथे कि 24 घंटे लोग मौजूद रहिंदे ने, ते जिहे इलाके दे विच इस तरीके दे नाल धमाके होना कि 36 घंटे दे बाद दूसरा धमाका है, अजिहे धमाके होना लोगों दे विच वी सहम दा माहौल पैदा करता है। बिल्कुल, देखो यह उत्थे लोग काफी आउंदे हैगे ने, तां पुलिस देख रही हैगी है कि आखिरकार इसकी वजह की हैगी है, कि यह कोई विस्फोटक धमाका तो नहीं है, यानी कि किसी ने जान बुझ के लोगों के भ्रम फैलाने वास्ते ये तो नहीं किया या डर फैलाने वास्ते तो नहीं किया। तो इसे करके एक फोरेंसिक जी जांच है वो जरूर की जाती हैगी है। तो बीते दिन ही फोरेंसिक दी टीमां आईयां सीगियां, जो ही उसकी रिपोर्ट आती है तो हमें जरूर इस बारे पता लगेगा कि आखिर यह पूरा मामला की है, क्योंकि हाले तक जी पुलिस हैगी है वो यही कह रही है कि जिहड़ा चिमनी दे विच गैस ज्यादा होने कारण जिहड़ा ओवरहीट होने के कारण यह धमाका होया है, तो उसनों ही लैके जिहड़ा शीशा वो टुटा है। वड्डी गल है कि जिहड़ा शीशा टुटिया जां जिथे धमाका होया, तो यह मानिए यह पार्किंग हैगी है, सारा गड़ी सराह की पार्किंग है जिथे सारे लोग जिहड़े है वो अपनी गड्डियां पार्क करके तो तुर के हैरीटेज स्ट्रीट तो जिहड़ा श्री हरिमंदर साहब वाल जांदे ने, जां लागे मंदिर हैगे ने शनि मंदिर हैगा, दो तीन चीजा होर ने, चाहे असीं गल कर लईए जलिया वाले बाग की, चाहे गल कर लईए जेकर किसी ने खाना खाना तो लागे भरावां दे ढाबा हैगा। सो यह सारा तुर के ही जाना पैंदा है जी, उत्थे कोई भी कन्विंस नहीं जांदी हैगी। सो कुल मिला के जेकर गल की जाए कि पार्किंग दे विच जेकर कोई गया हैगा तां विस्फोटक समगरी रखी हैगी है, तां ओह कौन लोग सीगे, सो कुल मिला के यह सारी जांच जिहड़ी है यह फोरेंसिक दे उत्ते टिकी होई है। आखिरकार कि फोरेंसिक रिपोर्ट की कहती है कि यह कोई धमाका सीगा
या ये कोई असी कह लिए कि कुदरती धमाका एक कह सकते आप क्योंकि जेकर ओवरहीट हुई है चिमनी के हो सकता है कि किसी रेस्टोरेंट मालिक की गलती होए चौबी चौबी घंटे किचन यूज करते हो भी जरूर नद पाई जाएगी। तस्वीर भी देख दिखा सकते दर्शकों दर्शक तस्वीर भी देख सकते हैं हैरीटेज स्ट्रीट तो सीधिया तस्वीर ने धमाके तो बाद जिते कि देखा जा सकता है कि सुरक्षा कर्मी भी तैनात ने सुरक्षा मुलाजम तैनात ने पूरी जो जांच है वो चल रही है। जेकर गल करिए परम इस धमाके तो बाद जानी माली नुकसान की कोई जानकारी सामने आई है? देखो इन्होंने हले तक तो कोई भी ऐसी असी कह लिए कि जानी नुकसान की कोई भी गल सामने नहीं आई हैगी पर इतने मैं जरूर एक गल साफ कर दिया कि पुलिस कमिश्नर तुसी देख सकते हो तुसी इस वीडियो का एंगल देख सकते हो कि इतने कोई भी मीडिया कर्मी अलाउ नहीं है कोई भी इतने कह लिए संगत के रूप च भी जेकर गल करिए तो रस्ता जोड़ा सील कर दिता गया तो इतों कोई भी अलाउ नहीं है तो तुम वीडियो का ही एंगल देख सकते हो कि एक चोरी वीडियो बनाई गई है साढ़े सूत्र वालों ताकि वो पता लग सके कि इतने टीमां पहुंच चुकिया ने क्यों ये किया गया उसका कारण यह है कि देखो देशों विदेशों के गोल्डन टैंपल श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होने वास्ते संगत आने तो उन्होंने मन के डर किसी ना किसी पैदा हो जाता है तो पुलिस का यही कहना मीडिया का मीडिया में यही कहना कि साडा सहयोग करो हाले तक कोई भी अजिही गल सामने नहीं आई अफवाह जिहड़ियां ने ना फैलाईआं जाण सो इसे नूं लैके जिहड़ा उसे किसी भी हाले तक अलाउ नहीं किया गया पर जिहड़ी गल तुसीं कह रहे हो कि जानी नुकसान हाले तक किसी का भी जानी नुकसान नहीं होया हालांकि सट्टां जरूर लगियां ने जख्मी जरूर होए ने एक दे पैर ते कैंकड़ वजी हैगी है एक दे लक ते जिहड़ी है वो शीशे का जोड़ा टुकड़े होंगे ने जो शीशा टुटता है तो वो टुकड़े जोड़े है वो लगे है सो ये तस्वीर जीडिया ने जरूर तुम देख सकते हो कि एक होल जोड़ा सामने लाल दीवार से जीडिया दीवारा टाइम ने उन्होंने उत्ते एक होल जरूर होया है यानी कि एक मोहरा जरूर है वो ही जोड़ा है उतों ही जोड़ा धमाका है ये होया है यानी कि जमीन तो कह लिए अभी 10-12 फुट उपर जोड़ा है ये पार्किंग हैगी देख सकते हो सारी पार्किंग है तो उसे ही यह धमाका जोड़ा होया है तो पुलिस उत्थे पहुंची है टीम उत्थे पहुंची ने इलाका सील किया होया किसी को जान नहीं दिता जा रहा तो जनरल जिक्र हिमानी रिपोर्ट फोरेंसिक की नहीं आती यह कहना जल्दबाजी होएगी कि यह कोई धमाका जोड़ा है वो प्लैंड धमाका किया गया हले साढ़े वास्ते जोड़ा मीडिया वास्ते है यह कहना जल्दबाजी होएगी जी बिल्कुल कह सकते हैं परम कि पूरा जो है वो जांच का विषय है क्योंकि जो बीते कल के धमाके की गल करिए उस तो बाद भी पुलिस के वलों ट्वीट करके भी लोगों को अपील की गई सी कि किसी तरह की कोई अफवाह ना फैलाई जाए ये कोई भी इस तरह का धमाका नहीं तो हुण जो ये दूसरा धमाका है ये भी पूरी तरीके नाल जांच का विषय है असी भी लोगों को सुचेत करते हैं कि हले तक कोई भी जानकारी इसके मद्देनज़र सामने नहीं आई कि क्यों ये धमाका होया इस करके लोड़ है हले इंतजार कर कि जांच तो बाद की कुछ निकल के सामने आता है तो किसी तरह की कोई अफवाह जो है वह ना फैलाई जाए जी परम बिल्कुल देखो मनी एक गल तो जरूर है देखो कोई खबर का जोड़ा है वो जरूर असर देखने को मिलता है तुम देखा होना जिमें कि श्री हरिमंदर साहब लखा श्रद्धालु आते हैं तुम्हें याद होगा तुम देखा होना कि सैटरडे संडे तो 2.5 लाख तो भी उपर अंकड़ा जोड़ा हो जाता है सो कितने ना कि पुलिस का यही कहना है कि जोड़े श्रद्धालु आते हैं अपनी श्रद्धा भावना आते हैं मन में शांति वास्ते आते हैं तो उन्होंने मन के कोई डर ना फैले इसे करके मीडिया का सहयोग मंगया जा रहा है कि जिन्ना चिर कोई फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं सामने आती उन्ना चिर कुछ ना किया जाए कोई असी कह सकते हैं कि खबर के कोई अफवाह ना फैलाई जाए तुम देखा होना कि पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट भी यही जी अपील है की जा रही है सो असी भी जी मीडिया के माध्यम राही एक जिम्मेवार अदारा होने के नाते असी भी यही अपील करते हैं कि जिहड़ी एक असी कह लिए कि एक सच हैगा वो जरूर दिखाया जाए एवं अफवाह जिहड़ियां ने वो लोगों नूं कहांगे जरूर ना फैलाईआं जाण जी परम जानकारी दे लई बहुत बहुत धन्यवाद।